यहाँ पर सीखेंगे हम कि इंक्रीमेंट कैसे कराते हैं। तो इंक्रीमेंट कराने का अलग अलग तरीका, अलग अलग वे हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ मेन फंक्शन बना लेते हैं। मैं कोड ब्लॉक्स को यूज कर रहा हूँ, आपके पास जो भी आईडी है उसमें सेम काम आप कर सकते हैं। यहाँ इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हम लेने वाले हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ इंट। इंट इज द कीवर्ड फॉर इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि एक ले लेते हैं वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 1, ठीक है। तो ये 1 असाइन कर दिया, अब यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटफ। प्रिंटफ क्यों? क्योंकि प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जनरली ये काम हम स्कैनअप के अंदर करते हैं परसेंट डी लिखने का, लेकिन यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ ये गलत। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस प्लस ए और यहाँ से इसको चलाएंगे तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखिए, इसको कंपाइल करवाया देन रन करवाया, देखिए यहाँ ए की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। और अगर हम दूसरी बार यहाँ लिखते हैं वापिस वही चीज प्रिंटफ, तो ये देखिए ये लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे परसेंट डी और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे प्लस प्लस ए करेंगे, प्लस प्लस ए, और जैसे प्लस प्लस ए करेंगे तो यहाँ पर अब फिर वापस से वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम बैकस्लैश एन दे देते हैं ताकि लाइन चेंज होती रहे, ठीक है। तो ये लाइन चेंज हो जाएगी और यहाँ पर अब इसको जब चलाएंगे कंपाइल करवा के रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक मिनट, यहाँ पे बैकस्लैश एन यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाएंगे, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं एक बार, यहाँ से चल करके इसको सेव करते हैं डॉट सी लगा करके। अब इसको हम कंपाइल और रन करवाएंगे तो ये कंपाइल हुआ देन रन हुआ। अब देखेंगे कि एक लाइन में 2 प्रिंट हुआ, दूसरे लाइन में 3 प्रिंट हुआ, यानी इंक्रीमेंट ऐसे करवा सकते हैं। डिक्रीमेंट कैसे करवाएंगे? डिक्रीमेंट करवाने का तरीका भी सेम है। तो यहाँ वापस से प्रिंटफ लिखेंगे और प्रिंटफ लिखने के बाद परसेंट डी दे देते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लूप में जाके भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। यहाँ माइनस माइनस ए लिख दिया और माइनस माइनस ए लिखने के बाद यहाँ पे टर्मिनेशन दे दिया। टर्मिनेशन देने के बाद क्या करना है, इसको सबसे पहला काम सेव करना है। तो यहाँ सेव किया हमने और सेव करके इसको कंपाइल करवा दिया, देन यहाँ से रन करवाएंगे। तो रन करवाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 आ रहा है, पहले इसकी वैल्यू 2 थी, फिर इंक्रीमेंट हुई 3 हुई, फिर डिक्रीमेंट हुई तो 2 हो गई, ठीक है। अगर हम दोबारा डिक्रीमेंट कराएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो एक बार और इसको डिक्रीमेंट करवा के देख लेते हैं और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये परसेंट डी दे दिया और परसेंट डी देने के बाद ये देखिए यहाँ पे परसेंट डी देना है आपको, परसेंट डी। तो ये परसेंट डी दे दिया और यहाँ पे कॉमा लगा करके माइनस माइनस ए वापिस से ये हम लिख देंगे और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने के बाद फिर इसको सेव करने की बारी है, तो यहाँ से जाकर के इसको सेव भी कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, नहीं तो ये चलेगा नहीं सही से। तो ये सेव कर लिया और इसको रन करवाया तो अब देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये 1 अलग लाइन में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने बैकस्लैश एन नहीं दिया है। यहाँ पे बैकस्लैश एन अगर लगा देता हूँ तो ये सब अलग अलग लाइन में ये प्रिंट करके हमें देगा, ठीक है। तो अब इसको वापस से यहाँ से जाके सेव कर लेते हैं और दोबारा इसको चलाएंगे तो अब आप देखेंगे कि ये सब अलग अलग लाइन में प्रिंट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देख सकते हैं 2 था, 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप करवा सकते हैं, ओके।